यही चाहता हूँ, आदर्श नारायणगंज प्रखंड बनाने की हमारी परिकल्पना है और जात पात धर्म संप्रदाय से लोग ऊपर उठकर अरविंद मिश्रा को लोग सहयोग करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर नारायणगंज में मैं विकास नहीं करूँगा तो लोग मेरा हाथ काट दें। मैं शपथ पत्र देता हूँ, बाकी जनप्रतिनिधि भी शपथ पत्र दे कि नारायणगंज को अपराध मुक्त बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, मंदिरों का पलायन रोकेंगे। हर जनप्रतिनिधि को देना चाहिए संकल्प, आखिर मंदिरों का योजना कहाँ जा रहा है, सारी योजनाएं कहाँ जा रही है, जो सरकार की जो योजना है वास्तविक जनता के बीच में पहुंचे, हर जिससे हमारा नारायणगंज समृद्ध हो कुटी और खास करके जो मेरा पर्यटक क्षेत्र है उन पर्यटक क्षेत्रों का विकास हो। ठीक, धन्यवाद आप सभी को। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत क्या नाम होगा आपका? अरविंद मिश्रा। कौन सा पद के लिए आप नामांकन कराए? जिला परिषद पद के लिए। तो आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार जनता आपको बहुमत देगी? सबसे पहले तो यत्र जोगेश्वरम कृष्णम यत्र प्रार्थो धनुधरा तत्र श्री विजयोद्भूति ध्रुवा नीति मम। मैं भगवान श्री कृष्ण को इनको लेकर चलता हूँ कि प्रभु धर्म के इस न्याय में आप मेरे साथ रहें। अगर वास्तविक मैंने गरीब गुरबा दलित शोषितों के लिए मैंने काम किया है, नारायणगंज के विकास के लिए काम किया है, कोई साथ जब दे चाहे नहीं दे, इनकी कृपा रही और गरीब गुरबा का प्यार रहा जिसके लिए मैंने संघर्ष किया, हमारी जीत होगी। बहुत खूब, लाओ रे अमर संघ वाले। शांति के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए, भाईचारा के लिए। बहुत खूब, ताली मारिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।